और सीधे आपको लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा, जहां पर आज की कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है। महोदय, झारखंड की विधि व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है। देखे होंगे आप, रांची में यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर आदिवासियों की हत्या हो रही है। सुभाष मुंडा की हत्या कर दी गई, अपने बेटियों का दुष्कर्म का घटना हुआ, एनसीआरपी की घटनाएं हैं, झारखंड जल रहा है। महोदय, महिलाओं के साथ बलात्कार, आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। इसलिए महोदय, हम लोग मांग करते हैं कि झारखंड के अंदर जो आदिवासी दलितों की हत्या हो रही है, दुष्कर्म हो रही है, गिरते लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा किया जाए। महोदय, गिरते लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा की जाए। इस राज्य सरकार को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। इस गिरती लॉ एंड ऑर्डर पर अविलंब चर्चा करना चाहिए। झारखंड पे जो झारखंड में हो रहा है, झारखंड में जो आए दिन गुंडे और अपराधी हत्याएं कर रहे हैं, बलात्कार हो रही है, इन सारे विषयों पर अविलंब इस राज्य सरकार को, मैं सारे कार्यों को बंद करते हुए, चलिए माननीय सदस्य आसन पर चलिए, माननीय सदस्य आसन पर चलिए, हो गया, आप लोग भी चलिए, आप लोग भी चलिए, आप लोग भी चलिए, आप लोग भी चलिए, कृपया प्रश्नकाल को बाधित न होने दे, चलिए आप लोग चलिए, चलिए। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, अखबारों की सूचना के मुताबिक करना, चलिए आप आगे बैठिए, अखबार के सूचना के मुताबिक चलिए आसन पर बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। बिरिंज जी चलिए, श्रीमती पुष्पा देवी, श्रीमती पुष्पा देवी, आप अपना प्रश्न पूछे। माननीय सदस्य श्री बिरिंज जी नारायण जी चलिए, माननीय सदस्य बिरिंज जी नारायण जी, माननीय सदस्य बिरिंच नारायण जी, माननीय सदस्य बिरिंच नारायण जी, माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, अपना अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न का उत्तर मिला नहीं, प्रश्न का उत्तर मिला नहीं है। माननीय मंत्री जी, बैठिए 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 बैठिए, महोदय, कई विभागों से सामग्री प्राप्त करना है इसका उत्तर देने के लिए, तो महोदय आपके सेक्रेटरी को भी चिट्ठी विभाग ने लिखा है कि कुछ समय चाहिए जब उत्तर देंगे। ठीक ठीक है प्रदीप जी, कल रखा जाए अध्यक्ष महोदय, कल इस प्रश्न को रखा जाए, पूछ किया जाए। नहीं, उन्होंने आपके उत्तर को संग्रह कर रहा है, जैसे ही संग्रह हो जाएगा वैसे ही आखिर चलते सत्र में उत्तर मिलेगा ना, प्रयास तो करेंगे, प्रयास अध्यक्ष महोदय मैं हो जाएगा। माननीय सदस्य जयप्रकाश जी ले जाइए सबको, माननीय सदस्यों को ले जाइए। जयप्रकाश जी, ये आपका पहला परीक्षा होगा, ले जाइए। माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह जी, अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न जो है, राज्य में जो महिला अपराध है, महिला अपराध में जो मुकदमे दर्ज होते हैं, और सरकार का काम सिर्फ मुकदमे दर्ज करना ही नहीं होता है, उसमें दोषी और अपराधी को जो है सजा दिलाई जाए, और उस आंकड़े को अगर देखें तो राज्य सरकार ने खुद स्वीकार किया कि बलात्कार और कोष्ठकों में जो सजा का दर है वो 25% से कम है। 1561 जो है सर कोष्ठकों और बलात्कार के मामले हुए सिर्फ 1 साल के, और मात्र 25% लोगों को सजा हुई है।
अब महिलाओं का जो सबसे मामला है अध्यक्ष महोदय की जो नजदीकी थाना है वो सूचना दर्ज करना, उनसे पूछताछ करना, वो सारी चीजें कि महिला फ्रेंडली हमारे थाने अभी तक नहीं बन पाए हैं अध्यक्ष महोदय। झारखंड राज्य में जो अच्छा उत्तर सुन लीजिए 564 थाने हैं अध्यक्ष महोदय, तो मात्र 187 में है, मान्य सर, तिहाई से कम है। जो सरकार महिला कैसे ज्यादा लोगों को सजा मिले और कम से माननीय मंत्री जी थाने में एक महिला दरोगा की गारंटी, माननीय मंत्री जी सरकार जवाब दे, माननीय मंत्री जी कौन जवाब दे रहा है, विनोद सिंह के कष्ट, माननीय सदस्य क्या चाहते हैं बताइए, क्या चाहते हैं बताइए। बैठे प्रश्न का चलने दीजिए, आप लोग आसन पर जाएं। देखिए सबसे ज्यादा रंधे की शांत है, सबसे ज्यादा शांत रणधीर जी हैं। चलिए आप लोग आसन पर बैठिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा बस यही सरकार से जवाब है कि दोषियों की सजा दिलाने हैं तो सरकार क्या विशेष उपाय कर रही है, और जितने थाने हैं राज्य में कम से कम एक महिला दरोगा की जो है उस पे गारंटी हो, इसके लिए क्या उपाय कर रही है। महोदय, माननीय सदस्य विनोद जी का जो प्रश्न किए हैं और अभी जो पूरा क्वेश्चन को पूछ रहे हैं उसमें उन्होंने कहा कि सभी जगह महिला थाना प्रभारी प्रस्तुत किया जाए, जैसे कि जवाब में पैरा 3 में लिखा हुआ है कि 2015 द्वारा सरकार द्वारा यही निर्देश दिया गया कि उपलब्धता के अनुसार वरीय महिला पुलिस अवर निरीक्षक को इस थाना के थाना प्रभारी के रूप में पदस्थित किया जाएगा, साथ ही अन्य स्तर के पुलिस पदाधिकारी पुलिस कर्मी को पदस्थित करने ये ध्यान रखा जाएगा कि इन थानों में महिला की संख्या अधिक है और वर्तमान में महोदय जो आज भी पदस्थित है और जहाँ पर जरूरी है उसमें भी हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, नियमावली बनी है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पहला तो हमारा ये कहना था कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए वो क्या विशेष कार्य योजना बना रही है, मात्र 25% मामले में सजा होती है। दूसरा, सरकार ने खुद सूचित किया कि 2015 ने निर्देश दिया था, आज है 23, 8 साल में भी जो है ये संख्या 30% से पास नहीं हुई है, तो महिला थाना प्रभारी की नियुक्ति कैसे होगी, जब उनकी नियुक्ति होगी तब ने, तो सवाल ये उठता है क्या सरकार महिला दरोगाओं की नियुक्ति में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान रखती है, वो आरक्षण का प्रावधान करेगी तभी महिला दरोगा आएंगे, महिला दरोगा आएंगे तब थाने में आप दे पाएंगे, तो अगर ये मात्र निर्देश रह जाएगा क्योंकि उनकी नियुक्तियाँ हो नहीं पा रही है तो क्या दरोगा नियुक्ति में महिलाओं का आरक्षण आप देंगे। मंत्री जी, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।